कुछ लोग उनको गलत बता रहे हैं और कुछ लोग उनको सही बता रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। सनातन नहीं गया टीवी और अखबार से। और दोस्तों, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं सनातन धर्म को, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हेलो जी, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो पे। आज हम दोस्तों सनातन धर्म को लेकर कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। आजकल लगातार सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, और वही दोस्तों सुहानी भी आकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को गलत बताती हैं। सुहानी वहीं आके कहती हैं ये आज का विज्ञान है, ये सब विज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग उनको गलत बता रहे हैं और कुछ लोग उनको सही बता रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। हमारे परम श्रद्धालु पंडित दिनेशानंद जी महाराज, जो कि हमारे बदलापुर खुर्द से हैं, आखिर दोस्तों पंडित दिनेशानंद जी महाराज क्या कह दिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आपको सादर जय सियाराम। जो सनातन विरोधी हमारे भाई हैं उनको जय जय सियाराम। मैं आप सबसे कई दिनों से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन समय अभाव और हमारे पूज्य अनंत बलवंत हनुमंत लाल की प्रेरणा अब तक नहीं हुई थी, इसलिए हम नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने हमें प्रेरणा दिया और कहा कि सत्यमेव जयते का उद्घोष करते हुए आप सबसे कह दीजिए कि जो सनातन नहीं गया हिणाक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं गया रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं गया कंस की अत्याचार से, जो सनातन नहीं गया टीवी और अखबार से, अब वह सनातन नहीं जाएगा, अब वह सनातन नहीं जाएगा अधर्मी चंद ठेकेदार से। जय बाबा बागेश्वर धाम, जय बाबा बागेश्वर धाम, जय हनुमंत लाल की जय, श्री राम।